मेरा नाम है ग्रेसी चौधरी और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। जी, आज की हमारी कहानी का नाम है मीठे बोल। और इस कहानी में है एक खरगोश और एक लोमड़ी। तो सुनते हैं खरगोश और लोमड़ी की कहानी। एक बार एक खरगोश था। खरगोश घूमते घूमते जा पहुंचा बाजार, और बाजार में उसे दिखी बहुत सारी गुड़ की भेलियां। गुड़ को देख करके खरगोश का मन हुआ कि क्यों ना थोड़ा सा गुड़ उसे भी खाने को मिल जाए, और उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा गुड़ चुरा लूं। पर नहीं नहीं चोरी करना तो बुरी बात होती है ना। अगर मैं दुकानदार से ही जाकर थोड़ा सा गुड़ मांग लूं तो वो मुझे जरूर देगा। हाँ, और खरगोश जाता है दुकानदार के पास और दुकानदार से कहता है, आप दानी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका कारोबार बढ़े, आप जीवों पर दया करते हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने के लिए देंगे? दुकानदार खरगोश की बात सुन के बड़ा ही खुश हुआ और उसने खरगोश को गुड़ दे दिया। खरगोश उछलता हुआ गया जंगल में और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ के गुड़ खाने लगा। लेकिन तभी वहाँ लोमड़ी आ जाती है और लोमड़ी को देख करके खरगोश जल्दी से अपना गुड़ पीछे छुपा लेता है। पर लोमड़ी बड़ी चालाक थी। लोमड़ी ने खरगोश के पास गुड़ देख लिया था और उससे बोली, तुम ये गुड़ कहाँ से लाए, जल्दी बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। खरगोश बोला, मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ, बाजार में एक दुकान है, उस पर बहुत सारा गुड़ रखा हुआ है, तो वहां जाना, दुकानदार से कहना मुझे गुड़ दे दो और दुकानदार तुम्हें गुड़ दे देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे मत समझाओ, और लोमड़ी चली बाजार की तरफ। लोमड़ी पहुंची दुकान के पास और उसने देखा इतना सारा गुड़ और कहने लगी, खरगोश तो मूर्ख है, इतने से ही गुड़ में खुश हो गया, मैं तो दुकानदार को धमका करके बहुत सारा गुड़ लूंगी। और वो पहुंची दुकानदार के पास और बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो, सामान में मिलावट करते हो और कम तोलते हो, अब जल्दी से मुझे गुड़ दो वरना मैं तुम्हारी सबसे शिकायत कर दूंगी। दुकानदार ने सोचा, ये लोमड़ी मुझे धमकी दे रही है, मुझे डरा करके मुझसे गुड़ मांगती है, इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। और दुकानदार बोला, अरे अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी बहुत सारा गुड़ लेकर के आता हूँ। और दुकानदार गया दुकान के अंदर, वहां से लाया एक बोरा जिसमें गुड़ के साथ साथ बहुत सारी चींटियां भी थी, और उसने दिया लोमड़ी को और बोला, इस बोरे में से तुम्हें जितना गुड़ चाहिए तुम उतना गुड़ ले सकती हो। लोमड़ी तो बड़ी खुश हुई और लोमड़ी ने डाला बोरे के अंदर हाथ। हाथ डालते ही लोमड़ी के हाथ पर चींटियां चिपक गई और उसको काटने लगी। लोमड़ी ने झट से हाथ बाहर निकाला और उसको जमीन पर पटकने लगी, लेकिन चींटियां तो हटी नहीं रही थी और लोमड़ी को जमीन पर हाथ पटकने की वजह से काफी चोट भी लग गई थी। अब लोमड़ी जंगल की तरफ भागी और बोली, मुझे नहीं चाहिए तेरा गुड़, तेरा गुड़ तो खराब है। इस कहानी से हमें पता चलता है मीठे बोल होते अनमोल। थैंक यू।